आपका विधायक लाइव में हम आपकी विधानसभा से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे हम जानते हैं कि करीब 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम किया और कौन कौन से काम करना अभी बाकी है। आज की बात की जाए तो हमारे साथ धर्मशाला से विधायक विशाल नेहरिया जुड़े हुए हैं। साल 2019 विधानसभा उपचुनाव में इन्हें जीत मिली थी, तो जानते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या लोग उनके कार्यकाल से संतुष्ट है, कितना विकास हुआ और क्या नहीं हो पाया, ये उन्हीं से हम जान लेते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ फिलहाल धर्मशाला से लाइव जुड़े हुए हैं विधायक विशाल नेहरिया। विशाल नेहरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आपका बहुत धन्यवाद जी। जी, आपने लगभग 3 साल के कार्यकाल में आपने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया और इसके अलावा क्या करना भी बाकी है? मैं सबसे पहले तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जी कि आप लोगों ने धर्मशाला के विकास के लिए, यहाँ पर जितने भी हमारे डेवलपमेंटल वर्क थे उन डेवलपमेंटल वर्क के लिए हमेशा से सहयोग दिया और आपके अथक प्रयासों से आज धर्मशाला में बहुत तेजी से विकासात्मक कार्यों को हम लोगों ने धरातल पर उतारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ही विजन था कि धर्मशाला जैसे शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को पिछले 2 वर्षों के अंदर हम लोगों ने धरातल पर उतारा है। आज धर्मशाला के अंदर लगभग 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो है वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोगों ने धर्मशाला में उतारे हैं और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र आज एक ऐसा क्षेत्र प्रदेश में सबसे पहले नंबर 1 पे बन चुका है कि वहां पर शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हुआ है, बहुत तेजी से विकास हुआ है। आज हमारे पास धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30 पंचायतें हैं, 17 नगर निगम के बाहर है और 7 कैंटोनमेंट के बाहर है। पंचायत स्तर पे कभी विकास के कार्यों की चर्चा नहीं होती थी, आज हमारे धर्मशाला के अंतर्गत जितनी पंचायतें आई हैं उन पंचायतों में बहुत तेजी से आज चिल्ड्रन पार्क बनाए जा रहे हैं, आज वहां पर युवा साथियों के लिए खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो हमारे पुराने समय से कुछ ऐसी चीजें होती थी जिनको हम लोग पानी के स्रोतों में बावड़ियां कहते थे, उन बावड़ियों का जीर्णोद्धार वहां पर हो रहा है। सड़कें वहां पर जो है कंक्रीट जो हम लोगों ने पक्की करने का निर्णय लिया है। इसके साथ में ग्रामीण स्तर पे हम लोगों ने धर्मशाला के बीच में एक संकल्प लिया है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी हम यहाँ पर बहुत तेजी से काम करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने 2 स्थान चयनित किए हैं, उन स्थानों पे हम लोग जो है कूड़ा संयंत्र के जो है प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। जी, और नेहरिया जी, हमने धर्मशाला के स्थानीय लोगों से बातचीत की थी और उनका ये कहना है कि यहाँ पर तंग सड़कें हैं, पार्किंग की विशेष प्रॉब्लम यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया कि धर्मशाला यानी कि मैक्लोडगंज में जब पर्यटक आते हैं तो कश्मकश में लोग होते हैं, पार्किंग की समस्या है, इसको कैसे आप ठीक करेंगे? अभी जब से मैं धर्मशाला क्षेत्र में विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ हमने बहुत सारी पार्किंग की समस्या को इसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयत्न किए हैं। अभी रिसेंटली धर्मशाला शहर के बीच में हम लोगों ने 302 गाड़ियों की पार्किंग के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऐसी बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। मैक्लोडगंज के बीच में भी लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से हमारा एक कंस्ट्रक्शन का काम जो है पार्किंग को लेकर चल रहा है और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हम लोगों को स्थान संभवता मिल रहे हैं उन स्थानों को चयनित करते हुए हम लोगों ने आने वाले समय में भी टारगेट लिया है कि हम लोग यहाँ पर कार पार्किंग को लेकर जो है व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएंगे। मैं मानता हूं क्योंकि ये व्यवस्था आज से पहले स्थापित हो जानी चाहिए थी, परंतु आज से पहले इसके लेकर कोई ठोस प्लानिंग नहीं की गई, उस कारण से हम लोगों को यहां पर प्रॉब्लम जो है आज देखने को मिल रही है। पर अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर हम लोगों ने 2 पार्किंग का उद्घाटन किया है और अब वहां पर सुचारू रूप से उसको चलाने का व्यवस्था भी हम लोगों ने स्थापित की है। ठीक है, एक युवा के तौर पर बीजेपी ने आपको मौका दिया था, युवाओं के लिए आपने क्या विशेष किया, किस तरह से आप मोटिवेट युवाओं को कर रहे हैं? देखिए, युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर 2 तरीकों से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और उसके साथ साथ वह अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, अब वहां पर नशे जैसी चीजों की ओर आगे ना बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने 2 एंगल में काम करना शुरू किया था। शिक्षा को हम लोग स्मार्ट एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सके इसके लिए धर्मशाला के बीच में 10 ऐसे डिफरेंट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जिनको हमने स्मार्ट क्लासरूम्स वहां पर उपलब्ध करवाए, आज बच्चे जो हैं वहां पर डिजिटली क्लासेस अपनी अटेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर के
यहाँ पर क्षेत्र है जहाँ पर हम लोगों को सरकारी भूमि जो है वहाँ पर मिली, क्योंकि मैंने हर पंचायत को एक इन्विटेशन दिया था कि आप मुझे जमीन प्रोवाइड करवाइए, मैं वहाँ पर खेल के मैदान बनाऊंगा। आज मुझे सौभाग्य से ऐसी सेवा का मौका मिला कि लगभग 30 जगह ऐसी थी जहाँ से हम लोगों को ऐसी जमीनों के लिए एक इन्विटेशन मिला कि हमारे पास लैंड है, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करिए, जिसमें से कि 22 खेल के मैदान हम लोगों ने स्मॉल जो हमारे अच्छे सिंथेटिक वाले जो वॉलीबॉल कोर्ट्स होते हैं वहां पर वॉलीबॉल कोर्ट्स बनाए हैं, कुछ हम लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट्स बनाए हैं। इस दिशा में हम लोगों ने युवाओं को प्रेरित करने का काम शुरू किया है। एक खेलो धर्मशाला को लेकर भी हम लोग बहुत तेजी से धर्मशाला के बीच में अभियान शुरू करेंगे, जिसका एक ही लक्ष्य है कि हम लोग यहाँ पर अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देंगे, एक स्वस्थ धर्मशाला का नारा देंगे और पूरे प्रदेश को, पूरे जिला को एक संदेश देंगे कि अगर धर्मशाला स्वस्थ रह सकता है तो जिला भी रह सकता है, प्रदेश भी रह सकता है, देश भी रह सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, महिला सशक्तिकरण को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं प्रदेश और देश के लिए? कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे यहाँ पर हमारे जो जागरूकता के कार्यक्रम चलते हैं, सरकार ने महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत तेजी से बहुत अच्छे से काम किया है। आज आप देखिए कि हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने महिलाओं को फाइनेंशियली भी स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। आज हमारी जो ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं वे अपने सहयोग से वहां पर स्थानीय स्तर पे जो अपने जो खाने के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इनका मार्केट में यूटिलाइजेशन होता है, उनको तैयार कर रही हैं। और हम लोगों ने धर्मशाला के बीच में समय समय पर ऐसे मेलों का आयोजन किया है जहां पर उन लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिल सके, अपने जो प्रोडक्टिविटी उनकी तैयार की गई है ग्रामीण स्तर पे उसको वहां पर आकर बेच सके और उनके एडवर्टीजमेंट वहां पर मिल सके। इस तरह से वुमेन को हम लोगों ने फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने के भी एक बेड़ा उठाया है। अब बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत उन महिलाओं को और सशक्त करने वाले हैं और फाइनेंशियल एड उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी देने वाले हैं। इसके साथ में आप देखिए महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर बहुत अच्छे से काम प्रदेश सरकार ने दिया। आज कहीं ना कहीं आप हिमाचल प्रदेश के बीच में देखें तो लगभग 3.5 लाख ऐसे परिवार हैं जिन माताओं बहनों को एक गैस कनेक्शन जैसी चीज को भी मुहैया करवाने की जिम्मेदारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली और हमारी सरकार ने ली है। तो आप महिला सशक्तिकरण की अगर हम लोग बात करें तो चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम। ठीक है, अंत में आखिरी सवाल आपसे ये, क्योंकि अंत में हम हर विधायक से यही पूछते हैं कि वो अपने कार्यकाल को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे। आपने क्योंकि बताया कि अपने कार्यकाल से आप संतुष्ट है, आप अपने कार्यकाल को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? देखिए अंक तो जनता देती है। आने वाले 4 महीने के बाद चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे जितने भी विधायक हैं उन्होंने अच्छे काम किए हैं, निश्चित तौर पे उनको पूरे मार्क्स जो है जनता वोट के रूप में देगी। ठीक है, हम जनता की बात तो हो जाएगी, जनता दे देगी, लेकिन आप खुद को कितने अंक देना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम स्वयं को अंक देने वाले कोई नहीं होते, जनता जनार्दन है, आने वाले चुनावों में वही अंक देगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ धर्मशाला से विधायक विशाल नेहरिया जुड़े हुए थे, युवा हैं, और आपको ये बता दें कि उपचुनाव में इन्हें जीत मिली थी साल 2019 में और उनकी तरफ से ये बताया गया कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास किया है और जो बची हुई योजनाएं हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।